ये मुसलमान नहीं है तो क्योंकि एक दिन तुम्हारे अपने भी मरेंगे कि तुम लोगों ने नबी की सीरत से थोड़ी भी शिक्षा ली है, उनकी तालीमात से। तो मुस्लिम फल वाले से सामान नहीं खरीद रहा है, एयरपोर्ट पर नंगा करके तलाशी ली जा रही है, कोई किराए का मकान नहीं दे रहा है, तो क्यों ये तमाशा मचा के रखे? क्योंकि इसकी मौत पर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। रोहित सरदाना की मौत पर चंद घटिया जहनियत के मुसलमानों ने जिस तरीके से अपनी जहनियत का मुजाहिरा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया था। वो कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे और हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन इस दौरान मजहबी कट्टरता में अंधे हुए कुछ जाहिलों ने इनकी मौत का जश्न मनाया और अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए अल्लाह का नाम लेकर उनको जमकर कोसा। लेकिन अब ऐसे कट्टरपंथियों को गौ भक्त मोहम्मद फैज खान ने जमकर लताड़ा है और मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। एक बार आप भी देखिए उनका वो वीडियो। हजरत बुल्ले शाह ने फरमाया, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। यानी कि अगर आप किसी को अपना दुश्मन भी मानते हैं तो उसकी मौत पर खुशी मत मनाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हारे अपने भी मरेंगे। कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जिंदा चीज को मौत का मजा चखना है। मौत से कब किसकी यहां यारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। रोहित सरदाना की मौत पर चंद घटिया जहनियत के मुसलमानों ने जिस तरीके से अपनी जहनियत का मुजाहिरा किया है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और तमाम सोशल मीडिया में जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है किसी की मौत पर, उससे लगता नहीं कि तुम लोगों ने नबी की सीरत से थोड़ी भी शिक्षा ली है, उनकी तालीमात से। पूरी दुनिया में ये कहते हुए घूम रहे हो कि गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मेरे भाई, तो गुस्ताख नबी है कौन पहले ये तो डिसाइड कर ले। जो नबी की सीरत को नहीं जानता है, जिसे नबी की तालीमात की जानकारी नहीं, जो नबी की शिक्षाओं से नावाकिफ है और वो नबी के बारे में बेहुर्मती करे, बेइज्जती करे, बेअदबी से उनके बारे में बात करे, वो बड़ा नबी का गुस्ताख है? या बड़ा नबी का गुस्ताख वो हुआ जो नबी की सुन्नतों को जानता है, नबी की सीरतों को जानता है, नबी की शिक्षाओं को जानता है, नबी की तालीमातों को जानता है, नबी के जीवन चरित्र को जानता है, फिर भी उनकी एक भी बात को नहीं मानता है और उनकी बेहुर्मती और बेइज्जती करता है, तो सबसे बड़ा गुस्ताख नबी कौन हुआ? वो मुसलमान हुआ जो नबी की सीरत को जानने के बाद भी उनकी एक भी बात को नहीं मानता है, उस पर अमल नहीं करता है। तो बोलो, अब सर तन से जुदा किसका किया जाए? ये मुसलमान नहीं है तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? ये मुसलमान नहीं है पर इंसान तो है। मेरे नबी ने यह तालीम दी, मुस्लिम मरे, गैर मुस्लिम मरे, उसका मजाक मत बनाओ। सबकी इज्जत करना सीखो, तब इस दुनिया में तुम्हें इज्जत मिलेगी। वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा बेअदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, इसलिए दुनिया में वो काम ना करो जिससे तुम्हें जिल्लत मिले, वो काम करो जिससे तुम्हें इज्जत मिले। अल्लाह हर शय पर कादिर है और हम जिल्लत के काम करेंगे तो वही हमारे साथ हो रहा है। क्या हो रहा है? फिर आप कहते हैं कि हमें कोई नौकरी नहीं दे रहा है, कोई मुस्लिम फल वाले से सामान नहीं खरीद रहा है, एयरपोर्ट पर नंगा करके तलाशी ली जा रही है, कोई किराए का मकान नहीं दे रहा है। मेरे भाई, अपने नबी की सीरतों से गुस्ताखी करोगे तो तुम्हारे साथ तो यही होगा। तुम्हारे नबी ने अपने किरदार से, अखलाक से, अरे जो नबी के बारे में बेअदबी कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उनको अभी नबी के किरदार का पता ही नहीं है इसलिए कर रहे हैं। तुमको तो पता है ना कौन है गुस्ताखे नबी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नो, अभी के जो गुस्ताखे नबी हैं ये तो कुछ नहीं है। जिनको तुम गुस्ताखे नबी कह रहे हो तो तलवार लेकर निकले थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने, क्योंकि वो नबी की शिक्षाओं से वाकिफ नहीं थे। जब वो नबी की शिक्षा से वाकिफ हुए तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। नबी ने मोहब्बत से इस्लाम फैलाया, तलवार से इस्लाम को फैला दो जहां में। कुरान में ऐसा कोई पैगाम नहीं है, इस्लाम तो है अमन और इंसाफ का मजहब, जो तलवार से फैले वो इस्लाम नहीं है। तो क्यों ये तमाशा मचा के रखे हो? किसकी मौत पर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तो देखा आपने किस तरह से फैज खान ने कट्टरपंथियों को आईना दिखाया है। दरअसल फैज खान वही राम भक्त है जो अयोध्या में बन रहे मंदिर के भूमि पूजन के लिए भगवान राम के ननिहाल की मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचे थे।
जो छत्तीसगढ़ से 796 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करके अयोध्या पहुंचे थे और फैज खान आए दिन कट्टरपंथियों को जवाब देते हुए नजर आते रहते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।